नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की वीडियो में मैं आपको लघुगणक प्रश्नावली शिक्षा लो कराऊंगा। दोस्तों, यह जो आपका है पार्ट 6 है दोस्तों। क्या दोस्तों? पार्ट 6 है, प्रश्नावली 6 है दोस्तों। और ये पार्ट आपका तीसरा है। अगर आपने दो पार्ट को नहीं देखा है दोस्तों, तो उस पार्ट को पहले आप देखिए। इन सभी क्वेश्चनों को जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व करेगा होगा। तो दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आपको दोस्तों अंत तक देखिएगा, जो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ज़्यादा ना बात करते हुए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपका जो क्वेश्चंस नंबर 5 है दोस्तों, इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं बुक में, उसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा। आपसे पूछ रहा है लघुगणक का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, प्रति लघुगणक से क्या अभिप्राय है, लघुगणक से नियम बताइए। तो इन सब चीज़ों को मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों, मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें बोल रहा है देखिए कि लाग 12 प्लस लाग 3 माइनस लाग 27, तो इसको आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व, सिर्फ सरल करना है, मान ज्ञात नहीं निकलना। कह रहा है कि इसको हल कीजिए, बस बोल रहा है दोस्तों सरल करना है। तो दोस्तों, अगर इसको सरल करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए। तो सरल करेंगे दोस्तों तो हम लोग इसको ऐसे सरल करेंगे, देखिए लाग 12 है, देखिए लाग 12 है, लाग 12 है, तो लाग 12 को अगर मैं चाहूँ तो आपको लिख सकता हूँ 4 × 3। लाग 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस लाग 3 है ना, तो इसको लाग 3 को तो और कुछ नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता हूँ, तो लाग 3 ही रहने दीजिए। माइनस लाग 27 है दोस्तों, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो लाग 27 को लिख सकता हूँ दोस्तों 3 × 3, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो दोस्तों, आपको फार्मूला में बताया था लाग m इंटू एन, लाग m इंटू एन बराबर क्या होता है, लाग m प्लस होता है दोस्तों, लाग m प्लस लाग n होता है आपका, ये होता है। तो इसको हम लिख लेंगे दोस्तों, देखिए लाग 4 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 3 माइनस, अब देखिए लॉग m के पावर n, लॉग m के पावर n क्या होता है, n लॉग m, तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों 3 log 3। ये आपको समझ में आया? अब हम क्या करेंगे दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। देखिए लॉग 4 को लिख सकते हैं लॉग 2 के पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं देखिए लॉग 2 के पावर 2। अब प्लस देखिए लॉग 3 और लॉग 3 दोनों है, तो 1 log 3 ये हो गया, 1 log 3 हो गया, तो क्या हो गया दोस्तों 2 log 3 माइनस 3 log 3। यह बात आपको समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, देखिए लॉग m के पावर n है, तो n log m हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा, देखिए दोस्तों लॉग, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 log 2। अब दोस्तों देखिए 2 log 3 माइनस 3 log 3 है, तो 2 log 3 माइनस 3 log 3 में से करेंगे, देखिए 2 में से अगर 1 लगे, जैसे समझिए इसको पूरा रुपया समझिए, 2 रुपया में से यदि मैं 3 रुपये को घटाऊँ तो कितना रुपया आएगा, माइनस 1 रुपया आएगा। तो यहाँ करेंगे माइनस 1, लिखिए या ना लिखिए, ऐसे लिखेंगे लॉग 3, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या है आपका सरलतम रूप है, क्योंकि इससे और आगे अब हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस नंबर आपका दूसरा है। क्या बोल रहा है दोस्तों कि सिद्ध करना है दोस्तों कि लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 2 log a 2 log b प्लस 4 log c करेंगे। तो दोस्तों, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसके बराबर प्रूफ करना है इसको, ठीक, तो हम लोग LHS ले लेंगे, LHS मतलब दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड में कौन है दोस्तों आपका, ये है। तो दोस्तों हो जाएगा देखिए आपका लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी के पावर 4 है। तो दोस्तों अगर देखें, तो अगर ये देखें m इंटू एन इंटू एम है, देखिए लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन के रूप में है, तो जब लॉग m इंटू एन के रूप में अगर है तो हम लोग लिख क्या लिखते हैं, देखिए लॉग m प्लस लॉग n, तो दोस्तों यहाँ पर 2 था तो लॉग m प्लस लॉग n था, अगर यहाँ n o रहता तो लॉग o कर देते,
ओ कर देते तो देखिए लॉग एम इंटू एन इंटू ओ के रूप में है। तो इसको हम लिखेंगे क्या दोस्तों, देखिए लॉग एम, तो लॉग एम का मतलब दोस्तों हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर प्लस प्लस लॉग एन प्लस लॉग एन का मतलब दोस्तों ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस लॉग सी के पावर फोर है तो सी के पावर फोर हो जाएगा दोस्तों। ये आपको समझ में आया, क्योंकि हमने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों लॉग एम इंटू एन, यही ने बताया था लॉग एम इंटू एन बराबर दोस्तों लॉग एम प्लस लॉग एन। अब दोस्तों लेकिन यहाँ पर m इंटू एन था, अगर यहाँ पर दोस्तों m इंटू एन इंटू अगर o हो जाए तो फिर यहाँ पर लगा देंगे प्लस o, अब फिर यहाँ पर o फिर p हो जाए, कुछ भी हो जाए इसे हम प्लस लगाते हुए करते चले जाएंगे। तो हमको क्या करना है दोस्तों, देखिए log a भाई m के पावर n है तो log m के पावर n क्या होता है n log m हो जाता है, तो इसको हम लिख लेंगे दोस्तों टू log a प्लस ऐसी m के पावर n है तो हो जाएगा टू log b प्लस देखिए m के पावर n है तो हो जाएगा 4 log c। और यही हमको क्या करना था दोस्तों, प्रूफ करना था, यही क्या करना था हमें प्रूफ प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है दोस्तों 2 के पावर 50 में अंकों की संख्या ज्ञात करो, और है दोस्तों जबकि जबकि आपका दिया है दोस्तों log 2 बराबर आपका यही दोस्तों यही log 2 बराबर आपका मान होता है 0.3010, यही मान आपका दिया हुआ है दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको ये बोला आपको याद रखिएगा। तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए आपको एकदम अच्छी तरह से एकदम एक एक पॉइंट देखिएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों लॉग ले लेंगे, तो हम लिखेंगे दोस्तों देखिए कि लॉग 2 के पावर 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। तो दोस्तों लॉग एम ऐसे देखा जाए तो लॉग एम के पावर एन है, तो लॉग एम के पावर अगर एन होता है तो हमने क्या बताया था एन लॉग एम होता है, तो इसको लिखेंगे दोस्तों 50 log 2, क्या लिखेंगे दोस्तों 50 log 2, और दोस्तों log 2 का जो मान होता है आपका दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे दोस्तों 50 गुणते log 2 का मान होता है 0.3010, यही होता है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें दोस्तों तो देखिए इस 50 का अगर मैं इसमें गुणा करूंगा देखिए 5 गुणते हो जाएगा देखिए 3.010, तो इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो 5 0 5 0.15, तो 15.050 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका पूछा दोस्तों इसमें अंकों की संख्या, दोस्तों अंकों की संख्या देखिए ज्ञात करने के लिए हमें तो सबसे पहले दोस्तों पूर्णांक ज्ञात करना है, तो दोस्तों इस नंबर में अगर देखिए तो पूर्णांक कितना है, देखिए 15 पूर्णांक है, ये दशमलव में है दोस्तों, तो पूर्णांक देखिए यहाँ पर निकालेंगे कि पूर्णांक, तो पूर्णांक बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, तो पूरा पूर्णांक कितना है 15 है, इसका ये दशमलव है तो इसको दोस्तों पूर्णांक बताता है, तो पूर्णांक है कितना दोस्तों आपका 15। तो दोस्तों अब अंकों की संख्या ज्ञात करना है ना, तो अंकों की संख्या क्या दोस्तों, अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों पूर्णांक में क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं, वही क्या होती है आपकी अंकों की संख्या होती है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका देखिए 15 अब प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 16, यही क्या है आपका आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि यही बोला था। एक क्वेश्चन आपका इसी पर बेस्ड है दोस्तों, उसमें क्या पूछा है दोस्तों कि इसमें बस क्वेश्चंस को आपको चेंज किया दोस्तों, यहाँ 2 के घाते 50 नहीं है, यहाँ पर है आपका दोस्तों 3 के घाते 17, कितना दोस्तों 3 के घाते 17 में अंकों की संख्या ज्ञात करो, जबकि यहाँ पर लॉग 2 नहीं लॉग 3 का जो मान है दोस्तों वो है आपका 0.4771 है, कितना दोस्तों 0.4771 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वही आपको बताया लॉग ले लेंगे, तो समझिए इसको हमने लॉग ले लिया, लॉग 3 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखिए आपका लॉग एम के पावर एन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन लॉग एम, एम का मान मतलब दोस्तों 3, तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा देखिए 17 गुणते लॉग 3 का मान कितना है दोस्तों 0.4771, जब इसका गुणा करिए दोस्तों तो 17 एकम 17 7 17 सत्ते 119 20
सत्तर सत्तर 119 और 12 आपका हो जाएगा 129 31 एक सत्तर सत्रह चौके 68 68 और दोस्तों 13 हो जाएगा 68 10 आपका हो जाएगा 78 78 79 80 81 तो आपका होगा कितना दोस्तों 81। कितने अंक पे दशमलव, एक दो तीन चार अंक पे दोस्तों, चार में ये आपका हो गया। तो दोस्तों ये आपका आया, तो इसमें अगर देखिए तो आपका पूर्णांक कितना है दोस्तों, तो पूर्णांक कितना है आपका 8 है ना, ये आपका पूर्णांक है। तो दोस्तों पूर्णांक कितना हो गया आपका, पूर्णांक बराबर हुआ आपका 8। लेकिन आपका पूछा है अंकों की संख्या, तो दोस्तों अंकों की संख्या हमने आपको बताया कि अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूर्णांक में हम क्या करते हैं दोस्तों, एक जोड़ देते हैं, तो आपका आएगा 8 + 1 = 9। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि दिखाइए कि या फिर सिद्ध कीजिए कि 2 log 15/2 -log 25/81 +3 log 2/9 = 2। तो कहने का मतलब दोस्तों इतना के बराबर हमको सिद्ध करना, log 2 लाना है। तो दोस्तों हम इसको LHS को ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और log 2 हम लाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2, अब देखिए log m/n, ऐसे ब्रैकेट में करिए 2 log m/n। तो log m/n क्या होता है, log m - log n। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों आपका log 15 - log 2। ये चीज़ आपको समझ में आया। दूसरा यहाँ देखिए log 25/81 है, 25/81 है, तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए कि log (25 - log 81) क्यों, कि अभी है log m/n, log m - log n। अब यहाँ देखिए 3 log 2/9, तो इसको करेंगे +3 log, ये भी log m/n है, तो इसको लिख देंगे हम दोस्तों log m - log n, इतना लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगर देखा जाए इसको हम लिखेंगे देखिए 2, और देखिए 15 को, अगर देखिए यहाँ log 15 है ना, तो यहाँ देखिए आपका log अगर आपका यहाँ 15 है, तो 15 को हम लोग क्या कर सकते हैं, log 5 * 3 पानते हैं 15, तो log m * n, तो इसको लिख सकते हैं देखिए log m + log n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देखिए डायरेक्ट मैं 15 को लिख रहा हूँ दोस्तों log 5 + log 3, अब माइनस है आपका log 2, तो मैं log 2 को रहने दीजिए। ये बात आपको समझ में आया। माइनस दोस्तों अगर देखा जाए देखिए log 25 है, कितना दोस्तों log आपका अगर ये 25 है, तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए log 5 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 25 होता है। तो देखिए ये जो 2 हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा देखिए 2 log 5, क्योंकि log m के पावर n, n log m होता है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको जगह पर हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 log 5 log, यहाँ पर तो लिख लीजिए 2 log 5 -log 81 है, तो 81 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 के घाते 4, क्योंकि होता है आपका देखिए 3 * 3 * 3 * 3, 3 * 3 = 9 * 27 * 81 होता है। तो देखिए अगर हम लिख सकते हैं 81 को log 3 के घाते 4, तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका देखिए 4 log 3 हो जाएगा। तो 81 की जगह पर हम लिख सकते हैं दोस्तों 4 log 3, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे देखिए +3, इसको देखिए log 2 को तो और हम ब्रेक कर नहीं सकते हैं, तो इसको log 2 ही रहने दीजिए। -log 9 है ना, अगर log 9 है दोस्तों तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए log 9 है, तो इसको लिख सकते हैं देखिए log 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का log 9 को 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 * 3 = 9 होता है। तो ये जो 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2 log 3, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए दोस्तों 2 log 3, देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप चाहेंगे तो यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन अब कैलकुलेशन आपको समझना छोटा में बताने के लिए दोस्तों ऐसा कर रहा हूँ दोस्त। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब आपको क्या करना है, सबका इसमें क्या करिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ये 2 का है, तो 2 का 2 log 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2 log 5 + 2 का log 3 में करेंगे तो हो जाएगा देखिए 2 log 3 -2 log 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 log 2, ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस इसमें करेंगे तो हो जाएगा देखिए -2 log
फाइव, और देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, फोर लॉग थ्री ये आपका होगा। अब देखिए ये प्लस का थ्री, यहाँ पे देखिए टू है, सॉरी दोस्तों टू है, लॉग टू है ना, फिर लॉग टू कर देंगे, तो थ्री का लॉग टू में करेंगे, देखिए प्लस है तो प्लस थ्री लॉग टू, और माइनस देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, और थ्री का टू में करेंगे तो थ्री टू कितना हो जाएगा दोस्तों, छः लॉग तीन। अब दोस्तों देखिए इस टू लॉग फाइव को देखिए, या प्लस में ये टू लॉग फाइव माइनस में, तो ये आपस में ऐसे कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए टू लॉग थ्री यहाँ पर है, फोर लॉग थ्री यहाँ पर है, दोनों प्लस में है ना, देखिए फोर लॉग थ्री और टू लॉग थ्री अगर ऐड करेंगे इन दोनों को तो कितना होगा आपका दोस्तों, सिक्स लॉग थ्री होगा, देखिए सिक्स लॉग थ्री, और देखिए यहाँ पर माइनस सिक्स लॉग थ्री है, तो यहाँ पर उतार लीजिए माइनस सिक्स लॉग थ्री। अब आपका बचा क्या दोस्तों, देखिए टू लॉग टू बचा और यहाँ थ्री लॉग टू बचा, यही बचा आपका, देखिए थ्री लॉग टू को हम यहाँ पर उतार लेते हैं, प्लस थ्री लॉग टू माइनस टू लॉग टू, देखिए इसको हमने उतारा है, तो दोस्तों ये तो आपस में आपका कट जाएगा, ये जो है आपका आपस में कट जाएगा, और थ्री लॉग टू में से टू लॉग टू घटाएंगे, लॉग टू का मतलब जैसे ये होता है दोस्तों कि जैसे देखिए लॉग टू के जैसे माने हमने तीन रुपया में से अगर दो रुपया अगर मैं घटाया तो कितना रुपया बचा, एक रुपया बचेगा ना, कि रुपया भी खत्म हो जाएगा, रुपया तो खत्म होगा नहीं, तो एक रुपया ना, तो वैसे ही दोस्तों थ्री लॉग टू में से बस हमको तीन में से दो घटाना है, तीन में से दो अगर हम घटाएंगे तो कितना आपका होगा दोस्तों, एक होगा, तो इसको एक ना लिख करके एक लिख सकते हैं, एक लॉग टू या लॉग टू दोस्तों, तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, लॉग टू हो गया प्रूफ, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, देखिए लॉग एक्स स्क्वायर बटा के वाई जेड प्लस लॉग वाई स्क्वायर बटा के जेड एक्स प्लस लॉग जेड स्क्वायर बटा के एक्स वाई के बराबर हमको जीरो लाना है, तो दोस्तों ये इसको हम एलएचएस ले लेंगे, तो यहां लिखेंगे एलएचएस एलएचएस, तो मतलब दोस्तों इसको हम प्रूफ करके हमको जीरो लाना है तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अगर ये देखा जाए तो लॉग एम बटा के एन है, लॉग एम बटा के एन है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे लॉग एम, एम का मतलब दोस्तों एक्स स्क्वायर, यहां देखिए लॉग एम बटा के एन, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एन, एन का मतलब क्या है दोस्तों वाई और जेड है, कितना दोस्तों ये वाई और जेड है। अब देखिए प्लस है, प्लस कर देंगे हम लोग, लॉग वाई स्क्वायर एम बटा के एन है, तो इसको एम मानेंगे, वाई स्क्वायर पूरा को हम एम मानेंगे, तो लॉग एम हो जाएगा, इसको लिखेंगे दोस्तों, देखिए लॉग वाई स्क्वायर एम माइनस लॉग एन, तो लॉग हो जाएगा दोस्तों आपका कितना हो जाएगा जेड और एक्स हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आई। और तीसरा प्लस है दोस्तों लॉग एम बटा के एन, तो लिखेंगे दोस्तों क्या करेंगे हम, लॉग जेड स्क्वायर सॉरी लॉग एम माइनस क्या हो जाएगा लॉग एन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका लॉग एक्स वाई, ये हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर इसको देखा जाए, अब यहां से देखिए तो लॉग एम के पावर एन, लॉग एम के पावर एन, एन लॉग एम हो जाएगा, तो इसको अगर हम करें दोस्तों तो हो जाएगा देखिए टू लॉग एक्स, ये हो जाएगा। और देखिए यहां पर वाई इंटू जेड है ना, यहां देखिए आपका लिखा है लॉग वाई इंटू जेड, तो इसको लिख सकते हैं लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एम और प्लस लॉग एन, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिख सकते हैं ना, देखिए लॉग वाई और प्लस लॉग जेड, क्योंकि लॉग एम इंटू एन लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, तो इसको हम लिख लेंगे, देखिए यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस ब्रैकेट में करेंगे तो लिखेंगे आपका लॉग वाई अब प्लस लॉग जेड, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लॉग एम के पावर फिर एन हो गया, तो ये जो होगा टू इधर आ जाएगा भाई, जैसे लॉग यहाँ पर अगर वाई स्क्वायर है तो ये टू आपका इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा टू लॉग वाई, यही हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों टू लॉग वाई माइनस, फिर यहाँ पर देखिए जेड एक्स है तो यहाँ ब्रैकेट में कर देंगे लॉग एम इंटू एन, तो हो जाएगा एम, एम की जगह पर क्या है आपका जेड है, तो लॉग जेड अब प्लस क्या हो जाएगा लॉग एक्स, ये बात आपको समझ में आई। तीसरा चीज देखिए लॉग जेड का स्क्वायर है, तो ये भी फिर यहाँ पर आएगा लॉग एम के पावर एन, तो एन लॉग एम हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों टू लॉग जेड माइनस, अब देखिए लॉग एम इंटू एन, तो फिर क्या हो जाएगा आपका लॉग एम प्लस लॉग एन, ये बात आपको समझ में आई दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर टू लॉग एक्स है ना, तो इसको लिखिए टू लॉग
एक्स, ब्रैकेट को खोल दीजिए तो हो जाएगा माइनस, देखिए लॉग वाई, और यहाँ देखिए प्लस लॉग जेड, नहीं प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग जेड, यहाँ देखिए प्लस टू लॉग वाई माइनस, ये देखिए आपका वाई है, माइनस लॉग जेड में यहाँ प्लस है, प्लस का माइनस में पूरा माइनस, तो हो जाएगा देखिए लॉग जेड माइनस हो जाएगा लॉग एक्स, अब फिर यहाँ पर प्लस है, क्या हो जाएगा दोस्तों टू लॉग जेड माइनस, फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा देखिए लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। अब दोस्तों देखिए तो टू लॉग एक्स, अब देखिए हमको लॉग एक्स खोजना है, देखिए टू लॉग एक्स ना, देखिए एक माइनस लॉग एक्स यहाँ है, एक माइनस लॉग एक्स यहाँ है, तो लॉग एक्स और लॉग एक्स कहने का मतलब एक लॉग एक्स ये है और एक लॉग एक्स ये है, तो टोटल कितना लॉग एक्स है, टू लॉग एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए टू लॉग एक्स माइनस, देखिए इस एक लॉग कुछ नहीं तो एक लगा देंगे, एक लॉग एक्स यहाँ, एक लॉग एक्स यहाँ, एक और एक कितना हो जाएगा टू लॉग एक्स, कितना हो जाएगा दोस्तों टू लॉग एक्स। अब देखिए लॉग वाई, देखिए माइनस लॉग वाई है, लॉग वाई एक और आपका कहीं होगा, तो देखिए लॉग माइनस वाई यहाँ पर है, तो माइनस लॉग वाई और माइनस लॉग वाई, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए माइनस टू लॉग वाई, टू लॉग वाई। अब देखिए यहाँ पर, देखिए टू लॉग वाई यहाँ पर क्या है आपका, देखिए प्लस टू लॉग वाई है ना, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे प्लस टू लॉग वाई, ये आपको समझ में आया। अब देखिए आपका बचा क्या है, इसको मैंने कहा लॉग जेड बचा, देखिए एक माइनस लॉग जेड यहाँ पर है और माइनस लॉग जेड यहाँ पर है, तो माइनस कितना हो जाएगा देखिए माइनस टू लॉग जेड, और देखिए यहाँ प्लस टू लॉग जेड बचा हुआ है, तो प्लस टू लॉग जेड, तो देखिए इससे आपका ये कट जाएगा टू लॉग एक्स, टू लॉग एक्स क्योंकि ये भी आधार इसका एक्स है और इसका भी एक्स है, तो ये कट गया टू लॉग यहाँ पर वाई होगा, सॉरी तो टू लॉग वाई से टू लॉग वाई आपस में कट गया, देखिए ये प्लस और ये माइनस कट गया, और यहाँ देखिए माइनस टू लॉग जेड है, यहाँ प्लस टू लॉग जेड है, पूरा कट गया, तो आपका बचा कितना दोस्तों जीरो, और यही हमको क्या करना था, आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि लॉग 75 बटा के 16 माइनस टू लॉग 5 बटा के 9 प्लस लॉग 32 बटा के 243 बराबर लॉग 2, लॉग 2 हमको क्या करना है लाना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों LHS ले लेंगे, क्या करेंगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो अब इसको अगर देखा जाए दोस्तों तो देखिए हम लोग LHS मतलब दोस्तों ये साइड्स हम ले करके हमको लॉग 2 हमको लाना है, तो देखिए लॉग अगर 75 बटा के 16 देखा तो लॉग m बटा के लॉग n है, लॉग m बटा के n है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों लॉग 75 माइनस लॉग 16, ये लिख सकते हैं लॉग 75 माइनस लॉग 16। अब देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिए, माइनस 2 है दोस्तों 2 को बाहर कर दीजिए, देखिए लॉग 5 बटा के कितना आपका 9 है, तो इसको अगर हम करें दोस्तों तो लॉग m बटा के n, तो लॉग m बटा के n मतलब लॉग m और माइनस लॉग n होगा, तो हो जाएगा देखिए लॉग 5 माइनस लॉग कितना हो जाएगा आपका 9, ये कितना आपका दोस्तों 9 है, ठीक। अब देखिए प्लस लॉग 32 बटा के 243 है, तो इसको अगर देखा जाए दोस्तों तो फिर वही लिखेंगे लॉग कितना लिखेंगे 32 माइनस लॉग 243, ये कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए इस 75 को अगर हम देखा जाए तो 25 गुणते 3 कर सकते हैं, इस 75 को अगर देखें दोस्तों तो हम लोग कर सकते हैं, देखिए कि लॉग 25 गुणते 3 कर सकते हैं, कर सकते हैं 25 गुणते 3, अब देखिए 25 गुणते 3 लिख सकते हैं, देखिए माइनस, तो देखिए 25 गुणते 3 लिखने का मतलब क्या है लॉग m इंटू एन, यही ना, चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ, तो लॉग 16 को लिख सकते, लिखना हो दोस्तों तो लॉग इसको 2 के घाते 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, ठीक। अब देखिए इसको कर दीजिए माइनस 2, इसको लिखेंगे तो देखिए लॉग 5 माइनस लॉग 9 को अगर हमको देखना हो दोस्तों 9, तो 9 को ऐसे रहने दें, चलिए लॉग 9 को अगर हमको देखना हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख सकते हैं देखिए लॉग 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए प्लस लॉग अगर 32 को मेरे को लिखना हो तो देखिए कितना हो जाएगा 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुना 32, तो इसको लिख सकते हैं देखिए लॉग 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, माइनस लॉग
243 को लिखना हो दोस्तों तो तीन गुणुत्ते तीन गुणुत्ते तीन गुणुत्ते तीन गुणुत्ते तीन, तीन तरीका नौ, तरीका सत्ताईस, तरीका इक्यासी, और तरीका होगा आता है दोस्तों तीन, 243। ठीक, तो कितना हो जाएगा एक तीन चार, तो कितना हो जाएगा दोस्तों तीन के घाते पाँच हो जाएगा, तीन तरीका नौ, तरीका सत्ताईस, तरीका इक्यासी, तरीका 243। ठीक दोस्तों, ये बात समझ में आई आपको। अब देखिए log m into n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m plus log n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर कि log 25 plus log 3, ये लिख सकते हैं। अब देखिए log m के पावर n, तो m के पावर n कहाँ है, n log m, तो इसको लिखेंगे दोस्तों कि चार आपका इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 4 log 2, ये कर लेंगे कोई दिक्कत। अब यहां पर देखिए करेंगे दोस्तों, तो अब देखिए यहां पर एक माइनस टू, यहां देखिए लॉग फाइव माइनस, देखिए ये लॉग थ्री का स्क्वायर है तो एम के पावर एन है तो टू लॉग थ्री हो जाएगा, यहां लिखेंगे टू लॉग थ्री, ये समझ में आया। प्लस देखिए लॉग टू के पावर फाइव है तो फाइव लॉग टू हो जाएगा, फाइव लॉग टू हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा देखिए फाइव लॉग टू माइनस यहां करेंगे देखिए एम के पावर एन, तो ये फाइव आपका आगे लग जाएगा, तो हो जाएगा फाइव लॉग थ्री, ये बात आपको समझ में आई। अब क्या करना है देखिए, अभी और करना होगा दोस्तों, तो इस लॉग पच्चीस को अगर यहां पर आपका देखिए लॉग पच्चीस है ना, लॉग पच्चीस है, तो पच्चीस को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, पच्चीस को पांच के स्क्वायर कर सकते हैं, जब पांच के स्क्वायर करेंगे तो टू लॉग फाइव हो जाएगा, टू लॉग इसको भाई टू इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा देखिए टू लॉग फाइव, तो ब्रैकेट को खोल रहे हैं और हम टू लॉग फाइव यहां पर लिखते हैं, देखिए यहां पर लिख देंगे क्या दोस्तों, टू लॉग फाइव, देखिए लॉग पच्चीस को हमने टू लॉग क्या लिखा फाइव, प्लस लॉग थ्री है लॉग थ्री रहने देंगे, माइनस फोर लॉग टू है तो फोर लॉग टू रहने देंगे। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस के इसमें गुणा करेंगे, तो देखिए टू है तो टू लॉग फाइव का माइनस उसमें करेंगे, तो हो जाएगा माइनस टू लॉग फाइव, ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस इसमें करेंगे तो देख माइनस और माइनस क्या होता है दोस्तों, आपका प्लस हो जाता है, दो का दो में करेंगे तो दो दूना कितना हो जाएगा आपका चार लॉग थ्री, प्लस फाइव लॉग टू है तो यहाँ हो जाएगा फाइव लॉग टू, और माइनस क्या करेंगे यहाँ फाइव लॉग थ्री है तो फाइव लॉग थ्री, बस आपका आप आंसर आ गया है। अब देखिए टू लॉग फाइव यहाँ है, टू लॉग फाइव यहाँ है, तो आपस में ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए लॉग थ्री यहाँ पर है और फोर लॉग थ्री यहां पर है, तो देखिए फोर लॉग थ्री और लॉग थ्री तो कितना हो जाएगा देखिए फाइव लॉग थ्री हो जाएगा, देखिए यहां पर लिखा जाए देखिए फोर लॉग थ्री और लॉग थ्री, तो हो जाएगा दोस्तों कितना फाइव लॉग थ्री, और यहां देखिए आपका माइनस फाइव लॉग थ्री पड़ा है तो माइनस फाइव लॉग थ्री, देखिए लॉग थ्री इसको मैंने लिख लिया, इसको लिख लिया और इसको लिख लिया, बचा आपका क्या दोस्तों फाइव लॉग टू, क्या बचा आपका प्लस फाइव लॉग टू, अब माइनस क्या बचा आपका देखिए फोर लॉग टू, तो माइनस फोर लॉग टू, तो देखिए फाइव लॉग थ्री से फाइव लॉग थ्री आपका कट गया, तो फाइव लॉग टू में से फोर लॉग टू घटाएंगे तो पांच में से जब हम चार को घटाएंगे तो कितना बचेगा एक, एक बचेगा, एक का मतलब क्या लिखेंगे दोस्तों लॉग टू, क्या बचा आपका लॉग टू, क्योंकि जैसे देखिए लॉग टू भी नहीं घटेगा क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे पाँच रुपया में से अगर मैं चार रुपये को घटाऊँ तो पाँच में से चार एक रुपया बचा, या फिर बचा क्या अगर मैं रुपया भी लिख दूं तो इसका मतलब क्या दोस्तों एक ही रुपये एक बराबर होता है। ठीक, तो आपका क्या हो गया दोस्तों आपका। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि देखिए कह रहा लॉग पाँच की पावर एक्स प्लस फाइव बराबर लॉग 25625, तो एक्स का मान ज्ञात करिए, तो किसका मान पूछा दोस्तों एक्स का मान पूछा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे दोस्तों लॉग पाँच के घाते कितना है दोस्तों एक्स प्लस पाँच है बराबर लॉग, तो दोस्तों 15625 को भी हम पाँच के घात के ही रूप में लिखेंगे, तो 15625 को अगर देखा जाए दोस्तों देखिए पाँच पचे पच्चीस पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125 पंजे 15625, तो कितना हुआ दोस्तों पाँच पचे पच्चीस पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125 पंजे 15625, तो कितना हुआ दोस्तों पाँच घात कितना हुआ एक दो तीन चार पाँच छः, तो पाँच के घात कितना हुआ दोस्तों छः हुआ, कितना हुआ छः हुआ, तो हम इसको लिखेंगे लॉग पाँच के घात दोस्तों छः, ये आपको बात समझ में आया।
तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए log m के पावर n है ना, तो यहाँ देखिए log m के पावर n क्या होता है, n log m होता है, तो इसको हम लिखेंगे देखिए x प्लस फाइव, क्या x प्लस फाइव log फाइव ये हो जाएगा बराबर दोस्तों, इसको भी m के पावर अगर n है तो ये जो आपका हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे दोस्तों सिक्स log फाइव, पाँच लिखेंगे छः log पाँच, तो देखिए log पाँच से आपका log पाँच कट जाएगा, ये कट गया, तो आपका बचा कितना दोस्तों x प्लस पाँच बराबर कितना बचा दोस्तों आपका छः बचा, कितना आया x प्लस पाँच बराबर छः, तो x का मान निकालना है तो x बराबर करेंगे छः और प्लस पाँच इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस पाँच हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस पाँच, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों एक, तो x का मान कितना आएगा दोस्तों आपका एक आएगा। तो दोस्तों लॉग का जितना भी क्वेश्चन था मैंने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दिया। आप लोगों को दोस्तों मेरा वीडियो जो मैंने आपको बताया कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे हम दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के लिए, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।